नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द ही ऐलान होने जा रहा है और सभी दल चुनावी तैयारियों को रफ्तार देने में जुटेंगे। उससे पहले नए सीएम के साथ बीजेपी सभी 10 सीटें जीतने का दम भी भर रही है। अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, साथ ही विभागों के बंटवारे को लेकर, उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर भी इंतजार बाकी है। चर्चा हम करने वाले हैं चुनावी शंखनाद को लेकर, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने जा रहा है। सभी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन जारी है। हरियाणा में बीजेपी जहां 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, तो कांग्रेस आप से गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा गया है, तो अन्य 9 सीटों को लेकर चर्चा जारी है। वहीं चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान सौंपी गई। सीएम बनने के बाद वो पहले दिल्ली दौरे पर रहे और कई महत्वपूर्ण मुलाकात की। हरियाणा को जो गति विकास की चली है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए थे, उन कामों को भी और गति देते हुए आगे बढ़ाना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका आशीर्वाद मिला है, आज आशीर्वाद लेने के लिए गया था। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की सरकार की जो एक मजबूती से हरियाणा के अंदर मनोहर जी के नेतृत्व में एक छवि बनी है और अंतिम व्यक्ति तक उनके नेतृत्व में जो सरकार पहुंची है, उन सब बातों को भी आगे बढ़ाना है। 6 सीटों का ऐलान कर दिया गया, अभी 4 सीट निकली है, हरियाणा की बची है और 1 सीट आपकी ही बची है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के मुख्य उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर जैसे आपके विधानसभा लड़के मुख्यमंत्री के तौर से ही रहेंगे? ये तो आपको भी संकेत साफ हो गया है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो आ जाएंगी, 6 आ गई हैं, 4 और जल्दी ही लिस्ट जारी हो जाएगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड जब उसको जारी करेगा, 10 के 10 कमल के फूल नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। लोग नहीं भूले हैं कांग्रेस के उस कार्यकाल को भी, सब जानते हैं लोग, उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, तब जाकर के एक गैस का कनेक्शन कांग्रेस के समय में मिलता था। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था कांग्रेस के समय के अंदर, आज इस डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व के अंदर देश और प्रदेश में विकास की एक नई गति, नया भारत, नया हरियाणा, विकसित भारत, विकसित हरियाणा, वो आज लोगों के सामने नजर आ रहा है। देखिए, ये गठबंधन ये कोई हमारा पार्टी का नहीं था, ये गठबंधन सरकार का था, सरकार के साथ गठबंधन था। और 10 की 10 हमने लोकसभा की सीटें जीतनी है, हमने पीछे भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीती। जाहिर है चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में सत्ताधारी गठबंधन तोड़े जाने से नए सीएम मिलने तक उठापटक का दौर जारी है। ऐसे में देखना यह है कि मंत्रिमंडल के विस्तार, विभागों के बंटवारे के साथ साथ उम्मीदवारों को लेकर सभी सीटों पर कब तक तस्वीर साफ होती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा में हुए सियासी उलटफेर से लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हम करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। बीजेपी से यशपाल बत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, नवीन गौड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं।
आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत बत्रा जी आपसे, सीएम नायब सिंह सैनी सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे, कई अहम मुलाकात हुई, तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कब तक विभागों की बंटवारी से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार और साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी हरियाणा में? देखिए, सारी चीजें जल्दी सबके सामने आ जाएंगी और जल्दी इस विषय पे जो भी डिस्कशन या जो प्रक्रिया है वो सारी पूरी करके, चाहे कैबिनेट विस्तार है चाहे नया प्रदेश अध्यक्ष है, ये जल्दी सबके सामने आ जाएगा। अभी तो फिलहाल तो आज ये शिष्टाचार भेंट थी, एक जैसे नए मुख्यमंत्री बने हैं तो अपने सीनियर नेताओं से मिलना होता है, उस विषय पे डिस्कशन कितना हुआ और क्या हुआ, ये तो सब आने वाले समय के अंदर आप सबके सामने क्लियर हो जाएगी। तो पांच मंत्री साथ में शपथ ले चुके हैं, बाकी अगर विस्तार किया जाता है जिस तरह की खबरें हैं कि बहुत जल्द किया जाएगा, तो किन किन समीकरणों को जहन में रखा जाएगा? देखिए, समीकरण जो भी आपको पता ही है, हर वर्ग को साथ लेना होता है, हर वर्ग को साथ लेके चलना होता है, और बीजेपी सरकार के अंदर या बीजेपी के अंदर तो ये वैसे ही चीजें ऐसी हैं कि सबको साथ लेके एक साथ चलना है, तो हर वर्ग का उसके अंदर ध्यान रखा जाएगा, उसी के तहत कैबिनेट विस्तार किया जाएगा, उसी के तहत आगे बढ़ा जाएगा, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के मामले में हो चाहे वो कैबिनेट के मामले में हो, हर विषय में एक साथ सबको साथ लेके चलने का होता है। यशपाल जी, एक वाक्य में एक उत्तर पूरा कर रहे हैं आप, ठीक है, मैं कांग्रेस को जोड़ रहे हैं चर्चा में, दो सवाल हो गए आपसे। बजरंग दास जी, आप लोग भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कर रहे हैं, 18 तारीख को सीईसी की बैठक होने जा रही है, तो लोकसभा चुनाव को लेकर आपसे बात करेंगे, बीजेपी 6 उम्मीदवार उतार चुकी है, आप लोगों की लिस्ट कब तक आ जाएगी हरियाणा की? ज्योति जी, बहुत जल्दी हमारी लिस्ट आने वाली है, आज भी हमारी चुनाव समिति की मीटिंग चल रही है, आज भी मीटिंग है, 18 को भी है, आज भी है, तो हो सकता है देर रात तक हमारा आज ही फैसला हो जाए टिकट का भी, किस किस को कहां पे उतारना है, ये एक बात तो ये है। दूसरी बात, जहां तक कि हरियाणा के अंदर चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव पूरे देश के अंदर होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पहले ही हार मान चुकी है, ये कहते थे हमारा गठबंधन मजबूत गठबंधन है और लगातार 5 साल हमारी मजबूती से सरकार चलेगी, आगे भी मनोहर लाल जी के खट्टर के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी, बार बार 3 दिन पहले तक ये भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और जेजेपी के नेता बार बार ये दावा करते थे, इन दावा की हवा निकल गई, हाईकमान ने रिपोर्ट जब मंगवाई हरियाणा के क्या पोजीशन है, धरती से जमीन सड़क गई, पता लग गया हरियाणा के अंदर किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, सारे वर्ग इस सरकार से नाराज है और मुक्ति चाहते हैं। इन्होंने आनन फानन के अंदर रातों रात अपना मुख्यमंत्री बदल दिया और उप मुख्यमंत्री घर बिठा दिया, इससे साफ सिद्ध होता है भाजपा डरी हुई है, मुझे ऐसा लगता है, पता है इनके पल्ले कुछ दुकान में समा एक शांति भैया शांति, आपके टाइम में यशपाल जी बोल लेना, आप भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता है, आपने कल ज्योति जी नहीं बजरंगदास जी, आपको सर्वे का भी पता है, बीजेपी का भी पता है, बीजेपी के इंटरनल और बाकी सारी चीजों का ज्ञान है, मुझे लगता है आप सवाल आप सुनो, आप अपने पार्टी के बारे में क्यों नहीं बताते अच्छे अच्छे काम, अच्छी अच्छी बातें, आप दूसरों के विषय में जाने की कोशिश क्यों करते हैं? यशपाल जी, आपको बोलने के लिए टाइम दिया गया था, आप 1 मिनट भी पूरी नहीं बोल पाए थे, 1 मिनट में मुझे दो सवाल आपसे पूछने पड़े थे, तब जाकर आप 2 मिनट बोल पाए, अब दूसरों के टाइम में आप सुन लीजिए, आप अपने टाइम में बोले नहीं थे। ज्योति जी, कल आपने रैली देखी जेजेपी की और दुष्यंत जी जो भाषण दे रहे थे, क्या कहा रैली के अंदर, बोला जी मुझे रात को 12 बजे दिल्ली बुलाया गया और मुझे कहा गया आप रोहतक चुनाव लड़िए दीपेंद्र जी के मुकाबले में, बोला मैंने कह दिया भी मैंने तो चुनाव ही बोल लड़ गया, हमने 10 की 10 सीट इनको होनी चाहिए, हमारा बुढ़ापा पेंशन कर दो, मैंने क्यों मरवाओ रोहतक के अंदर, इनकी आप चाल देखिए,
कैसे ये उठी हरकत करते हैं, इनका काम क्या है? भाई को भाई से लड़ाना। आप तो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, आप दूसरे को फंसाना चाहते हैं। और बोला मैंने इनकी बात नहीं मानी, बड़े रातों रात मेरे को बाहर निकाल दिया। ये दूसरे चौटाला जी का रैली के अंदर, हिसार की रैली के अंदर बयान था, और हिसार के अंदर मेरी भी कांग्रेस भवन के अंदर मेरा कार्यकर्ता सम्मेलन कल की तारीख मेरा वहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ किस नाम की वोट मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी, इस नाम की वोट मांगोगे आप? आपने दुड़ा दुड़ा कर किसानों को पीटा, आपने सरकारी कर्मचारियों को पीटा, आपने सरपंचों को पीटा, आपने आंगनबाड़ी महिलाओं को पीटा, आपने छोत्राओं को पीटा, या इस नाम की वोट मांगोगे? आपके राज के अंदर 750 किसान शहीद हो गए, इस नाम की वोट मांगोगे या इस नाम की वोट मांगोगे? तो आपने झूठे मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज किए, लोगों पर दर्ज किए। मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, कल विधानसभा जब सेशन था, बबली इनका मंत्री, पंचायत मंत्री विधानसभा से बाहर आके बयान देता है, उसमें खुद उसका बयान सुना। उसने कहा भाई हालात बहुत खस्ता है, गांवों में घुसने नहीं देते, कल भी मेरे के साथ डाती की है, आज ऐसे हालात है। मौजूदा मुख्यमंत्री जो चेंज हुए वो भी काम गांवों के अंदर जनसभा नहीं कर सकता, ऐसे हालात नहीं। नहीं बजरंग जी, ऐसा तो नहीं है। देखिए आप बात ये बताइए, मैंने जो सवाल पूछा, अरे गर्ग साहब, मैंने पूछा कि आप लोग कब लिस्ट जारी करेंगे? क्या आप बीजेपी का इंतजार कर रहे हैं? अगर वो भी कर रहे हैं तो बीजेपी तो 6 जगहों से उम्मीदवार अपने उतार चुकी है, बीजेपी तो 6 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है, कितना और इंतजार करवाएंगे आप लोग? आपने अच्छा आपने सवाल कर लिया, मैं आपका अंदर की रिपोर्ट दे देता हूँ। 5 कैंडिडेट का लगभग फैसला हमारा हो चुका है, ओनली एक एक नाम का ये फाइनल हो चुका है। एक लोकदल आसन कुछ होते मेरे बड़े भाई, एक सीट का प्रभारी मैं भी हूँ, जहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का प्रभारी, दोनों पार्टियों को इंटरनल बताया, मैं तो इसलिए पढ़ा चुकी है। एक एक सुन लो भाई, हम आपकी तरह नहीं है, पता होने के बावजूद जो घोषणा हाई कमान ने करनी है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम जाके नू कहेंगे वो फलाना फाइनल होने जा रहा है, भाई हम कुछ नहीं कह सकते। हम नहीं, वो बजरंग दास जी, आपको तो बीजेपी के बारे में इंटरनल पता है, कांग्रेस का भी इंटरनल पता है, सारी चीजें तो तय करे बैठे हैं आप, जीत हार का तय है, लोगों का पता है, समाज का पता है, कौन किसको वोट देने वाला है, वो आप फिर हर इलेक्शन में हारते क्यों? मैं ये समझ पाया, बीजेपी वो ठीक है, आप बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं यशपाल जी, बीजेपी के बारे में सबने पता है, बीजेपी के बारे में सबने पता है, आम जनता ने पता है, मलाई खाने वाली पार्टी है, मतलब दोनों ने मिलकर मलाई खाई है, महकमे बांटे हैं, लोगों के आप क्यों लगातार बोल रहे हैं? आपके सवाल नहीं पूछा ना ज्योति, मेरी बात सुनिए, इनका जवाब क्यों नहीं पूरा होने दे रही? अपना समय नहीं दे रहे, अपना जवाब दे रहे हैं, आप बार बार बीच में बोल रहे हैं, क्या तरीका है आपका? आप जल्दी अपनी बात पूरी करें, ज्योति जी मैं बताना चाहता हूँ, ये समझौता जो है, अरे जो यशपाल जी सुन लो, प्लीज सुन लो, आप सीनियर नेता हो, हमारे साथी हो, छोटा भाई हो हमारे, मैं बताना चाहता हूँ, ये समझौता ओ जो टूटा है ना जी, ये टेम्परेली है, ये अंदर से 60-60 करके काम हुआ है भी, ये वोट काटू पार्टी है भी, तुम अलग चुनाव लड़ो, अलग चुनाव नहीं लड़ोगे, तुम्हारी फाइलें तैयार बैठी है, जो धान घुटाला है, सरसों घुटाला है, गेहूं घुटाला है, वो महकमा किसके पास था? जेजेपी के पास। जो शराब घुटाला हुआ वो महकमा किसके पास था? वो जेजेपी के पास। जो तहसील के अंदर अरबों रुपए का दृष्टि घुटाला हुआ वो किसके पास था? जेजेपी के पास। सभी की FIR दर्ज है, SIT गठन है, आज तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए, सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए एक फाइलें तैयार की गई है, बता दिया, या तो चुनाव लड़ लो, चुनाव लड़ोगे वोट काटो कांग्रेस की, तुम्हारे पल्ले तो डर तो लग रहा है आप लोगों को। अब अगर आप लोग ये भी मान रहे हैं कि रणनीति है, तो डर तो लग रहा है आप लोगों को, डर लग रहा है क्या कांग्रेस को कि आप लोगों के वोट कटेंगे? बहुत जल्दी देखो,
ज्योति को हमें डर नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ ये वोट काटू पार्टी है, इनके पल्ले कुछ नहीं आते। राजस्थान में भी वोट काटू पार्टी को वहां भेजा, इनके तो नोटा से भी कम वोट आए राजस्थान में। टोटल सीटों पे जवान जब्त हुई। आज नोट कर लेना, जेजेपी का सर जहां भी लड़ेगी जवान जब्त होगी। 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी इंडियन गठबंधन हरियाणा में जीतेगी और भारी बहुमत। चलिए मैं इन को चर्चा में जोड़ रही हूँ। इसकी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। पंजेटा जी, गठबंधन टूट गया के अभय तो बहुत शुरुआत से कह रहे थे कि गठबंधन टूटने वाला है। आखिरकार चुनाव से ठीक पहले गठबंधन टूटा के और जेजेपी को इस तरह से बाहर का रास्ता दिखाया गया कि जैसा सोचा भी नहीं गया होगा, कोई मुद्दा भी नहीं था, केवल चुनाव सीटों की बात, कौन कहां लड़ेगा, और मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है जननायक जनता पार्टी को। जी ज्योति जी, ये जो स्वार्थ के ऊपर टिका हुआ गठबंधन होता है, ये कोई आपस में कोई नेचुरल अलायंस नहीं था, ना ये एक दूसरे के कोई सहयोगी रहे, और ये पानी पी पी के एक दूसरे को कोसते थे, और कोसते कोसते एक यमुना पार की बात करते थे, कभी सीधा सीधा खट्टर जी को सुधी छिपकली माच्छर गणे खाया करे करके वो भी बताया गया कि वो भ्रष्ट है। उसके बाद फोटो मोदी की ब्याह खट्टर का कह के भी उनको ये दिखाया गया कि खट्टर जी के अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, तो मोदी जी की वजह से जो आ रही है, और ऊपर से खुद बोला करते थे कि पीएचडी बच्चे आज चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अनेक बातें जो है वो चुनाव से पहले कही गई थी, कसमें खाई गई थी कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर अब अलग हुए भी हैं तो भरे मंच में ये बोलते हैं कि आज भी हमारे समर्थन से सरकार चल रही है, और ये भी बिल्कुल शर्माते नहीं है सीधा सीधा मंच से इतना 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 बड़ा बयान दे देना कि मैं गठबंधन नहीं छोड़ना चाहता था, तो उनकी मंशा नहीं थी। और अपने आप को बार बार एनडीए का पार्ट बहुत से डिबेट्स में हम सुनते आ रहे हैं कि मतलब जब से एनडीए में दिया था इनको तब से जो है कि ये हमारा जीना आराम कर दिया इन्होंने डिबेट्स के ऊपर कि हम एनडीए का गठबंधन का पार्ट है, एनडीए का पार्ट है। मगर एनडीए का पार्ट होते हुए भी इनको भाजपा ने जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया। और जो चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का बयान था कि बेशरम होंगे तो टिके रहेंगे, तो ऐसे इनको कहते हैं ना जबरदस्ती निकाला गया है कि ये तो मतलब अपनी तरफ से जो भरे मन से कह रहे हैं कि हम छोड़ना ही नहीं चाहते थे गठबंधन को, ये तो चिपके रहना चाहते थे। लेकिन जनता को अच्छी तरह पता है कि अगर 32 शहरों के अंदर 30,000 से ज्यादा जो है वो गलत रजिस्ट्रियां हुई, वही रजिस्ट्री घोटाला है। शराब का घोटाला केवल कोरोना काल में नहीं, आपको पता होगा कोरोना काल में तो हजारों पेटियां जो है वो शराब की गोडाउन तोड़ के, चाहे खरखोदा हो, फतेहबाद हो, और करनाल का भी आपको एक इनके पद अधिकारी रहे हैं, उनका 2 बारी नाम आया, हाईकोर्ट से जमानत देनी पड़ी उनको। उसके बाद 7.5 लाख पेटियां जिसमें 2 अलग अलग इंसिडेंट्स हैं, 7,40,000 है शायद, वो मूर्थल और सोनीपत से गायब हुई, वो भी इन्हीं के अंदर क्योंकि महकमा इनके पास है। उसके बाद 100 करोड़ का जो है वो कोऑपरेटिव घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, चना घोटाला हुआ, बारदाना घोटाला हुआ, 162 करोड़ का जो पेंशन घोटाला है उसमें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और सॉरी माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा, और सीबीआई ने सिफारिश की है कि आपके अफसरों की गलती है और उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश खुद सीबीआई ने करी है। तो ये बातें इतने घोटालों की जांच करने के बजाय, इसकी जवाबदेही देने की बजाय, मुख्यमंत्री जी तो विधानसभा पटल पे भी चाहे संदीप सिंह का पक्ष लेते दिखाई दिए हों, चाहे कोऑपरेटिव मिनिस्टर का पक्ष लेते दिखाई दिए हों, किसी भी घोटाले, चाहे इवन स्पीकर और मुख्यमंत्री दोनों अड़ जाते थे जजपा वालों के लिए कि भाई सब कुछ, इवन मैं कहूँ कि विक साहब की जो रिपोर्ट SIT वगैरह की जो भी रिपोर्ट हुई आई वो उसको भी पटल पे नहीं रखा गया। मतलब इतने बड़े घोटालों के बाद तो किसी में नैतिकता होती तो वो अपना इस्तीफा दे देता या सरकार इस्तीफा ले लेती। तो मुख्यमंत्री को अगर हम ये बोले उनके नाक के नीचे, वो सारा पूर्व मुख्यमंत्री वो अपने नाक के नीचे सारा कुछ ये बर्दाश्त नहीं उनका समर्थन करते रहे हैं, उनकी शह पे होता रहता है। नहीं नहीं, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो मुख्यमंत्री रहते हुए बार बार ये कहते रहे कि अगर कोई कथित घोटाला सामने भी आ रहा है तो हम उसे लेकर आ रहे हैं, हम खुद ही जांच करा रहे हैं, हम खुद ही जो भी अधिकारी पाया जाता है दोषी उसको सजा तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
पिछली सरकारों में ही नहीं था, हम करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहे हैं। कह रही हूँ तो कैसी जीरो टॉलरेंस है जो कि उन्हीं विभागों पे रख दिया जाता है, उन्हीं अफसरों को दोबारा मलाईदार पोस्टिंग दे दी जाती है, सस्पेंड करने के बाद उनको भाल करके दोबारा अच्छी लंब पोस्टिंग दी जाती है। एचपीएससी से हम देखते आ रहे हैं 350 लाख ऑफिस के अंदर मिला है। आप संदीप सिंह के खिलाफ आपने बताइए क्या कहा उनको, क्या आपने धार, आप तो विधानसभा में उनको माननीय माननीय कहते नहीं सकते। तो जनता सारा देख रही है, जनता सारा समझती है कि आपको नैतिकता है किसी के अंदर? आप बताइए कौन से मंत्री का इस्तीफा लिया गया हो, खुद तो ये देंगे ही नहीं कभी, भेंट है। उल्टा बचाव किया गया है, जनता को दिखाना का सिर्फ एक आई वॉश है, उल्टा इस सरकार ने बचाव किया है हमेशा, हर हर घोटाले के ऊपर पर्दा डाला गया है, हर घोटाले। ये तो मैंने एक ये अरविंद शर्मा है उनका एमपी, उन्होंने एक बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया था कि सबूत मिटाने में एक्सपर्ट है ये भाजपा। खट्टर साहब को लेके मैं एक वीडियो मेरे पास आज भी वो सेव है कि सबूत मिटाने के अंदर एक्सपर्ट है खट्टर साहब की सरकार। तो ये मैं ही अरविंद शर्मा बोल रहे थे एमपी, और आज भी वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है वीडियो। तो ये तो खुद जब भाजपा के एमपी बोल रहे हैं तो उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? हम तो हमारी बात तो जनता हमें पता है, हमारी बात जनता सुनती है, लेकिन भाजपा के कानों तक हमने ये बात पहुंचानी थी। जजपा ने और भाजपा ने मिलके इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, और अब आखिरी में आके ये जो अगर कुछ थोड़ा बहुत ये ड्रामा करके दिखा रहे हैं, तो ये कोई ड्रामे से कुछ हासिल नहीं होने वाला। जनता सब सारी बातें समझती है, जनता भली भांति जानती है कि आपने प्रदेश को 3.5 लाख करोड़ के कर्ज में डुबा दिया है। आज वो जवाब कौन देगा, वो पैसे कौन भरेगा? आप खजाना खाली तो छोड़िए, खजाना खाली छोड़िए, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात आती है कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी भी नहीं है कि आप खजाने को भरना तो दूर की बात है, कम से कम उसको कम तो कीजिए। आप अगर आज हरियाणा को ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, यानी आपने किया क्या? और वो पैसा जितना ज्यादा कर्ज में जा रहा है वो आप लगाइए उतनी करप्शन है, उतना ही वो पैसा कहाँ गया, कहाँ चला गया? ऐसे कि पिछली सरकारों में क्या विकास नहीं हुआ क्या? पिछली सरकारों में सड़कें नहीं थी या बिजली नहीं थी या आप बताइए तेल के दाम क्या थे, सिलेंडर के दाम क्या थे? महंगाई आपने कर दी, उसके बाद बात करते हैं ये अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट होती थी, विषय बड़ा गंभीर है। मुझे पता है आप सरकार के लिए इस बात में हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हाँ सरकार ये कहती है हमने 1 लाख जो भी 1.25 लाख नौकरियां दे दी। विधानसभा के पटल पे सच्चाई ये है कि 4,66,000 सरकार कहती है हमारे पास सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें से 2,09,000 खाली पड़ी। उस जो 2,66 है, 2,66 नहीं 2,60 ही बची, उसमें से भी सरकार कहती है लगभग 90,000 जो है वो कच्चे कर्मचारी है, कौशल रोजगार वाले, मतलब पक्के इनके पास 55-60 के आसपास जो है वो पक्के कर्मचारी हैं, और कोई ओपीएस भी नहीं। तो जब 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या बढ़ गई, जो पक्की नौकरी हमारे समय में 4 लाख की थी, 4 लाख पक्के कर्मचारी थे, पक्के कर्मचारी के साथ साथ हमारे पास ओपीएस भी हमारे हम स्टेट में कर्मचारियों को दे रहे थे, तो उस अगर आप पेंशन भी नहीं दे रहे और आपके पास पक्के कर्मचारी भी लगभग 1.5 लाख के आसपास है, और होने चाहिए थे आपके पास कम से कम 6-7 लाख, आप बताइए फिर अब बच्चे नशे में नहीं जाएंगे? अब आजकल मैं पहले मुझे लगता था कि हरियाणा में कम बच्चे हैं, पंजाब में ज्यादा पलायन करते हैं विदेश में, आज हरियाणा में ज्यादा बच्चे जा रहे हैं, हर गांव में घर घर में 1-2 बच्चे आपको हर गांव में मिलेंगे जो अपनी या तो पंजटा जी। तो ये वो मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है इन मुद्दों के साथ आप लोग जनता के बीच जाएंगे? ये मुद्दे ज्योति जी जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जनता का दर्द है, ये जनता परेशान है। आज जनता देखती है, कंपैरिजन करती है, महंगाई को भी करती है, गृहणियां भी करती हैं, बच्चे भी करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लीजिए आप, किसान की आय दुगनी की बात करी थी, किसान की क्या हालत करती, वो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता था किसान, आज आपने किसान को कर्जदार बना दिया 27 रुपए प्रतिदिन। एनएसओ की रिपोर्ट, मैं अभी चर्चा में आगे बढ़ते हुए मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ूंगा। आत्महत्या कर रहे हैं ज्योति जी, ये एनसीआरबी का डेटा बोलता है, हर 5वें दिन एक बच्चा ड्रग ओवरडोज से मर रहा है, ये एनसीआरबी का डेटा बोलता है। आज सुसाइड रेट हरियाणा के अंदर नेशनल एवरेज से 2.8% ज्यादा है, ये भी एनसीआरबी का डेटा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आप भी कई बार गिनवाते हैं मुझे, पे के दूसरे प्रवक्ता तो इनके अगेंस्ट ये भी कहते हैं इन आंकड़ों को लेकर कि ये सही आंकड़े नहीं है। सबका अपना पक्ष में, ये नहीं कह रही गलत है। मैं नहीं कह रही हूँ, बीजेपी बहुत बार कहती है, बत्रा जी तो अलग ही नहीं कह रहे, लेकिन दूसरे प्रवक्ता कहते हैं
कि आंकड़े झूठे हैं। बीजेपी तो सीएजी एनसीआरबी किसी को नहीं मानती है। चलिए मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ देता हूँ। नवीन जी क्या लग रहा है कुरुक्षेत्र में? तो हालांकि अभी बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है, लगातार गुप्ता जी मैदान में है, आप लोग भी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहती है 10 की 10 सीटें जीतेंगे और अब तो नायब सिंह सैनी को कमान दे दी गई है, जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर। ज्योति जी आपको सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे जितने पैनलिस्ट साथी हैं उन सभी को नमस्कार और आपके दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। और बीजेपी तो दम भरेगी, बीजेपी तो बोलेगी हम 10 जीतेंगे, और तो कुछ दिन पहले 20 भी जिता रहे थे, 10 तो ये जीत रहे थे, 10 बीजेपी वाले जीत रहे थे, 20 सीटें बना रखी थी उन्होंने हरियाणा के अंदर। और तब ये चिल्ला के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते थे, कौन चिल्लाते थे, कहते इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट नहीं आ रहे, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट नहीं आ रहे। हम इनसे एक सिंपल सवाल पूछते थे, भाई इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट तो आ जाएंगे, आप अपना बता दो, आपका और जेजेपी का क्या होना है? और वो आपने कल देखा कि किस प्रकार से जेजेपी को इन्होंने तोड़ के किस तरीके से फेंक दिया, मतलब जैसे इनके थे ही नहीं कभी। तो इनकी इनके ये जितने ये शो ऑफ करते हैं कि हमारा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, वैसा कुछ नहीं है। इनके कार्यकलापों से पिछले 9.5 साल के भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में जो इन्होंने जिस प्रकार से इनकी नीतियां रही हैं उससे हरियाणा प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। और ये जानकारी ना केवल लोगों को तो है ही है, तो देख ही रहे हैं, ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी की आला कमान तक भी है, इनके जो आका बैठे हैं उनको ही पता है कि खट्टर सरकार से लोग नाराज हैं। इसीलिए चुनाव से कुछ दिन पहले इन्होंने सीएम बदलने का काम करा, नहीं तो एक कोई मुझे रीजन बता दे कि लोकसभा चुनाव से 1-2 महीना पहले और विधानसभा चुनाव से लगभग 6-7-8 महीने पहले ऐसी कौन सी नौबत आ गई, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि एक सीएम जो 9.5 साल से एक स्टेट में मुख्यमंत्री के पद पे थे, क्या वो इतने नाकाबिल थे? उनको आप उनको काबिल नहीं समझ रहे, या तो भारतीय जनता पार्टी उनको काबिल ही नहीं समझ रही कि वो स्टेट चलाने के काबिल है कि नहीं है। नहीं, उनको दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी, उनको करनाल से लड़ाए जा रहे हैं। और ये बीजेपी बार बार कहती है कि दायित्व बदले जाते हैं, जिम्मेदारी बदली जाती है। अब हाईकमान या संगठन जो नई जिम्मेदारी देगा, इनको बत्रा जी उनको प्रदेश की देश की जरूरत है, देश के लिए उनको बत्रा जी रुकिए, बत्रा जी रुकिए, उनकी बदली जाएगी। यशपाल जी ज्योति जी को रोक लीजिए, मतलब ये अच्छी बात थोड़ी है, इतने बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं, अच्छा लगता है। मैं तो रुका हूं, आप बच्चों की तरह बीच में ऐसे अच्छा नहीं, पर सुनिए सर, ध्यान से सुनिए। तो नहीं बच्चों की तरह नहीं, आप सारी बातें बोलेंगे तो पीछे बोलना पड़ेगा, बच्चों की तरह बीच में थोड़े बोलते हैं। एक काम कर लेते हैं, वोटिंग होगी, आपके कैंडिडेट भी जीत सकते हैं, आप उस मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते? आप अपनी पार्टी आपको भी ना मुद्दा बताएंगे, मुद्दा तो आपको भी बता रखे हैं। मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं बताऊंगा ज्योति जी। तो अभी ये जो बोल रहे हैं इनको बात तो पूरी करने दें आप, मिसाइल को कहां से बीच में लेकर आ गए अचानक से? गायल भी अहम मुद्दा में ये नहीं कह रही कि नहीं है, लेकिन अभी जो ये कह रहे हैं एक बात के ही बोले आप ले जा रहे हैं डिबेट को इसराइल पर, अभी इनको बात कहने दीजिए अपनी। नहीं नहीं ज्योति जी एक काम करते हैं, और मैं दूसरे प्रवक्ताओं से भी अनुरोध करूंगा, सुनिए मैं दूसरे प्रवक्ताओं से भी अनुरोध करूंगा, आज का सारा टाइम ना यशपाल जी का भाषण सुन लेते, मैं तो मोनू मैं नहीं बोल रहा जी, यशपाल जी को बुलवाइए। आप ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं नवीन जी, आप अपनी बात क्यों नहीं पूरी कर रहे? इनको तमीज नहीं है, आप बात सुन ही नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं मोनू और भाई मैं दूसरे प्रवक्ताओं से भी कह रहा हूँ, इनका भाषण सुनो, ये ले लेंगे पूरे हरियाणा, शर्म नहीं आ रही है, इनका कोई मतलब है, इनका कोई तमाशा है ये बीच में डिबेट करने में? जनता ने देनी है ना, तो आपने देनी है, जनता ने जिसको देनी है, जनता को जिसको देनी है। यशपाल जी एक तो आप कैमरे की तरफ देखकर बोलिए, आप कैमरे की तरफ देखिए, आप कहाँ देख रहे हैं, आप कैमरे की तरफ देखकर बात करें। और दूसरा, मैंने आपको समय नहीं दिया ना अभी बोलने के लिए, मुझे आपको ऑडियो डाउन करवानी होगी आपकी, आप इनको बोलने दीजिए, आप कैमरे की तरफ देखकर बोलें, आप बात पूरी करें अपनी। जी भाषण नहीं देने, इनको भाषण देने दीजिए, आपको नहीं बोलना है क्या नवीन जी? क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं आप डिबेट का? नहीं लेकिन तो
नहीं, मैं यहाँ मैं आप लोगों को मनाने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं। जी आप बोलिए अपनी। तो ज्योति जी कोई सेंस होती है, इनको समझ आना चाहिए। आप कभी किसी के बीच में नहीं बोलते हैं क्या? क्या ये इतनी देर इस बात पर बहस होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बट ये हर तो बोलिए अभी विषय पर बात कीजिए, आप विषय पर बात कीजिए। चलो विषय पर बात करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हरियाणा की जनता तो जब नकारे तब नकारे, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने ही खट्टर साहब को और भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियां हैं हरियाणा में उनको नकार दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, जनता इस बात को आराम से समझ रही है कि ये सीधा सीधा संदेश है कि खट्टर साहब हरियाणा को संभालने में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो महंगाई की इन्फ्लेशन की बात हो, किसी भी मुद्दे पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नाकामयाब रही है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने खट्टर साहब को हटा के एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए दूसरे आदमी को मुख्यमंत्री पद पर बिठाने का काम किया है। दूसरा, मेरे साथी क्या कह रहे थे कि जी दूसरी जिम्मेदारी देंगे, बहुत बढ़िया, एक जिम्मेदारी तो आप पूरी निभाने नहीं दे रहे, दूसरी एक और जिम्मेदारी देने की बात करो, कौन सी जिम्मेदारी दोगे, कौन से मंत्री? आपको पहले से सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है, सेंटर में किसकी गवर्नमेंट आने वाली, क्या होने वाला है, सब कुछ पता है। दूसरी जिम्मेदारी आपने खट्टर साहब को नाकाबिल घोषित कर दिया है, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। देखिए नवीन जी, बीजेपी ने पहली बार ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कि बीजेपी की तरफ से मैं उत्तर दे रही हूँ, लेकिन उत्तराखंड में किया ना, पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तराखंड के गठन के बाद किसी सरकार ने रिपीट किया। त्रिवेंद्र रावत, तीर्थ रावत बनाए गए, पुष्कर सिंह धामी बनाए गए, पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में बीजेपी जीती। गुजरात की हम बात करें, वहां भी किया गया। ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि पहली बार किया गया हो, तो बीजेपी ऐसे इनको आप प्रयोग मान लीजिए, प्रयोग भी करती आई है और कामयाब भी हुई है। गुजरात में तो जिस तरह का प्रयोग किया गया सीएम बदलने वाला, गुजरात के इतिहास में पहली सबसे बड़ी जीत थी दशकों की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, जो कि विरोधी दलों को लगता है कि इतने सालों के बाद अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी होगी तो सबसे बड़ी जीत थी ये गुजरात में। नहीं, ये तो बहुत सारे प्रयोग करते हैं, बट हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में हम जहां पर बात कर रहे हैं, और ये एकदम क्लियर, ये साफ दिखाई दे रहा है कि खट्टर साहब को हटाने का और कोई औचित्य ही नहीं समझ आ रहा है। इन्होंने जहाँ पे दूसरी जगह एक्सपेरिमेंट करे होंगे उनके बारे में हमें क्या ही मतलब है, और वहां पे भी एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए करा है, और यहाँ पे भी एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए, कि कोई खट्टर से सवाल ना पूछे, दूसरे जो नेता आएंगे उनसे वो बोले हाँ जी हम तो थे ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। तो ये केवल एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए, खट्टर सरकार के खिलाफ जो विरोध था उस विरोध से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का ये काम करा गया। दूसरी रही जेजेपी की बात, जेजेपी आज भी ये कह रही है कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है ना हम सरकार के साथ है। अब बताओ, इनके 5 MLA विधानसभा में बैठे हैं, 5 MLA बाहर बैठे हैं, ये कह रहे हैं हम 10 के 10 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस जेजेपी का तो सीन ही समझ में नहीं आ रहा, जेजेपी इस प्रदेश में करना क्या चाहती है? एक सीट पे लड़ेगी, कभी कहते हैं हम तो 10 की 10 सीटों पे लड़ेंगे, कभी कहते हैं हम 1 सीट पे लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की, और कभी ये भी कहते हैं कि जनता जनता ये बता दे कि लोकसभा लड़ना है या फिर नहीं, विधानसभा ही नहीं लड़ना। दोनों कंफ्यूज है। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, वो बहुत मजबूत स्थिति में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भारी मतों से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का क्षेत्र की सीट जीतेंगे और इंडिया गठबंधन के पास वो सीट, वो जो है सीट जाएगी, क्योंकि लगातार हम भी घूम रहे हैं कुरुक्षेत्र में, बहुत बेहतरीन यहाँ पर लोग जो नाराज है, नायब सिंह सैनी को गायब सैनी का क्या नाम है खिताब मिला हुआ है यहाँ पे, हम कुरुक्षेत्र में ही घूम रहे हैं पिछले हफ्ते से, हर आदमी कह रहा है कि नायब सिंह सैनी जी कभी गाँव में उन्होंने आके नहीं देखा, कभी गाँव में लोगों से आके हालचाल नहीं पूछा, कभी गाँव में आके उनकी लोगों की समस्याएं नहीं पूछी। तो इन सब चीजों से कुरुक्षेत्र की जनता भी, हरियाणा की जनता भी नाराज है, और इस बार 2024 के चुनाव में हरियाणा की जनता वोट के लठ से, जो लठ इन्होंने जनता को मारे, सरपंचों को भी मारे, किसानों को भी मारे, हर वर्ग को लठ मारे, जो लठ इन्होंने मारे हैं लोगों को, वो वोट के लठ से अब बदला लेगी हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी से। चलिए जादून जी, देखिए मनोहर लाल की बात करें, बेदाग छवि रही, ईमानदार रही, व्यवस्था परिवर्तन का दावा वो करते रहे, और अब चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी को, ओबीसी से आते हैं और एक बड़ा वोट प्रतिशत है, वोट बैंक है ओबीसी का हरियाणा में, तो कैसे देख रहे हैं आप इस बदलाव को? और जो बीजेपी कह रही है कि इस बार भी 10 के 10 कमल खिलेंगे हरियाणा में, क्या इसमें मदद मिल पाएगी बीजेपी के इस फैसले से? भारतीय जनता पार्टी ने इसी रणनीति के तहत जो है नायब सिंह जी को मुख्यमंत्री पद सौंपा है, ताकि वो जो ओबीसी क्लास है उस पर एक ऐसा प्रभाव हो कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के लिए बहुत जो है फिक्रमंद है,
और उनकी तरक्की के लिए प्रयासरत है और उसी योजना या नीति के तहत जो है राज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। एक तरह से एकदम उनको जो है पार्टी अध्यक्ष पद से उठा के और मुख्यमंत्री पद सौंपना एक बड़ा मैसेज होता है। वो इसी क्लास में चला जाएगा। आम आदमी जो है उसी तरीके से सोचता है, उसको लगता है कि ये पार्टी हमारे लिए कुछ काम कर रही है और हमारे अवसर बढ़ेंगे, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहती है और उसी रणनीति के तहत बदला गया है मुख्यमंत्री। नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं थी इतनी कि अगर ये चुनाव कोई कारण नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि अगर अभी चुनाव में एक साल का भी फासला होता तो इतना परिवर्तन, इस तरह का परिवर्तन नहीं होता, और होना होता तो पहले ही हो जाता कि तमाम तरह की जो मुद्दे हैं, जिस तरह के अभी विपक्ष के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने जो मुद्दे बताए हैं, ये मुद्दे तो एग्जिस्ट कर रहे हैं पहले से ही। अगर होना था तो फिर अगर उसी आधार पर होता तो पहले ही कर दिया गया होता। वो नहीं है, ये इसमें सिर्फ ये है कि जाति समीकरणों का ध्यान रखा गया है और वो जो पार्टी की जो घोषणा है कि हम 10 लोकसभा सीटें पूरी तरह से 2019 की तरह जीतेंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सब परिवर्तन किया गया है और सर्वे भी कराए गए हैं, दो मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट दिए गए हैं। तो वो सब पार्टी सब जो कुछ भी कर रही है वो 10 सीटें और पूरी सफलता हासिल करने के लिए, जिसको कह सकते हैं 100% सफलता हासिल करने के लिए लगातार सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी पहलू होते हैं जिताने वाले, उन सब पर काम किया जा रहा है। बेदाग छवि के कैंडिडेट जिनको लेकर कोई विवाद ना हो, एंटी इनकम्बेंसी ना हो, ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है, जिनका टिकट कायम रखा गया है, जिनको फिर टिकट दे दिया गया है, उनके बारे में बाकायदा सर्वे हुआ है, ये आंतरिक सर्वे हुए हैं, उसके आधार पर ही फैसले किए जा रहे हैं। तो पार्टी की रणनीति है, अब रणनीति जो आंतरिक रूप से पार्टी कोई मुद्दे उठाती है या जो भी कदम उठाती है उसमें तो क्या उसको स्वतंत्रता है, उसका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, वो किस तरह से क्या कदम उठाती है, वो ठीक है कि उसकी व्याख्या कुछ अलग अलग तरीके से हो सकती है और समस्याएं मुद्दे तो अपनी जगह है, उस पर तो देखिए कि जनता का फैसला आ जाएगा कि कितना भी आप अपने तरीके से रणनीति बदलें और उपाय करें, लेकिन लोगों के नॉलेज में सब चीजें होती हैं, वो अपनी नॉलेज के आधार पर, अनुभव के आधार पर मतदान करते हैं। तो तैयारियां हैं, कांग्रेस भी अब गठबंधन में है तो फिर देखते हैं कि कितना परफॉर्म कर पाती है, किस तरह से कर पाती है, गठबंधन का फायदा किस तरह से मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं उनके सामने किस तरह से वो मजबूती के साथ चुनौती खड़ी करेगी, ये सब देखने का मौका मिलेगा। आप जहां तक जननायक जनता पार्टी का है तो उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला तो किया ही है, लेकिन वो अपने लोकसभा स्तर के पदाधिकारियों से मंथन करके और रणनीति तय करेंगे कि किस तरह से चुनाव लड़ना है। बत्रा जी, 6 सीटों पर आप लोग उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं, हिसार, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, इन 4 सीटों को लेकर इतना मंथन क्यों? क्या यहाँ आप लोग इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों का? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ना किसी का इंतजार कर रहे हैं ना हम किसी की तरफ देख रहे हैं। हमारा तो जो निशान है कमल का फूल है, आपने देखा होगा माननीय मोदी जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा के अंदर जब 90 विधानसभाओं का इनॉग्रेशन करा था तब भी यही बात थी, एक ही निशान, एक ही बात, ना कैंडिडेट देखा किसी ने, ना खुद देखा, कमल का फूल देखना, उस पर ध्यान देना, क्योंकि हम, हमारी जो पार्टी, हम लोग एक प्रदेश हित के अंदर, देश हित के अंदर कार्य करते हैं, ना कि व्यक्तिगत हितों के अंदर कार्य करते हैं। अब रही बात, जैसे अभी मैं बैठे हुए आप प्रवक्ता की बात सुन रहा था, मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है, सारे मुद्दे हम मानते हैं, हमने आपकी बात को समझ लिया, आप एक काम क्यों नहीं कर लेते जिससे कि आपको हरियाणा के अंदर वोट भी मिले, हो सकता है आपका कोई कैंडिडेट भी जीत के आ जाए, आप जो SYL का पानी है आप वो क्यों नहीं ला के देते, आपके सेंटर के, आपके दिल्ली में आपकी सरकार, पंजाब में आपकी सरकार, हम लोग तैयार, सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार, सुप्रीम कोर्ट तैयार, तो वहां तक क्यों नहीं जाते? तब ये कहते हैं कि जिस दिन पहले हम जीतेंगे उसके बाद SYL पानी लाएंगे, पंजाब में जाएंगे तो हम पानी नहीं देंगे, इस तरीके की बातें करते हैं। अब आपको विषय ध्यान होगा, अरविंद केजरीवाल जी ने एक समय में कहा था कि भ्रष्टाचारों की पार्टी है कांग्रेस, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को ED और CBI से इंक्वायरी कराए, कई हजार खरबों अरबों रुपए मिलेंगे इनके पास। आज वही लोग एक साथ मिलके गठबंधन बना के लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उससे पहले जिस दिन दिल्ली के अंदर जीते थे, हम तो बिल्कुल ना तो हम कोई फैसिलिटीज लेंगे, ना हम कोई मकान लेंगे, ना हम कोई गाड़ी लेंगे, आज वो सारी चीजें हैं और इनकी पूरी की पूरी सरकार दिल्ली जेलों से चल रही है, भ्रष्टाचार आपको दिखाई दे रहा है, इनका भ्रष्टाचार करने का तरीका बिल्कुल अलग है, शिष्टाचार से भ्रष्टाचार करना,
एक होता है भ्रष्टाचार, एक शिष्टाचार। ये शिष्टाचार से भ्रष्टाचार करते हैं, ये इस तरीके के लोग हैं और इस तरीके की ये पार्टी है। अब रही बात इनोनो की, मैं बैठे वो सुन रहा था, इनोनो पार्टी के प्रवक्ता घोटालों की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। जो घोटालों के जननी है वो लोग घोटालों के बारे में बात करते थे। आज तक कौन सी पार्टी के अंदर, कौन सी सरकार के अंदर बताइए कोई घोटाला हुआ, किसी ने कोई गलत काम किया, उसको इंक्वायरी होके उसको बाहर करा, उसको जेल का रास्ता दिखाया हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो। आप इससे पहले सरकार बताइए, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जो ईमानदार छवि के इंसान थे, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, आप उनके कार्यकाल के अंदर देखिए कितने आईएएस, कितने आईपीएस। अगर किसी की कोई शिकायत लीगल तरीके से है, अगर एविडेंस के साथ है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इससे पहले कितनी भी सरकारें रही है कुछ भी नहीं रहा, कोई भी, चाहे वो सरकार रही हो, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, चाहे इनोलो रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, कोई भी रही हो। अब रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस प्रवक्ता मेरे बड़े हमारे बड़े ऐसा नहीं है, इनेलो सुप्रीमो तो जेल भी गए ना, कोई भी मामला हो, ऐसा नहीं कि कभी नहीं गए। और मंत्री विधायक तक की बात कर रहे हैं तो ये नहीं कि भेजना ही भेजना किसी को, नहीं कोई दोषी पाया जाएगा तभी तो जेल भेजा जाएगा। जेल किसने भेजा, मंत्री या विधायकों को आप लोगों ने कब जेल भेज दिया? किसने भेजा? उन्होंने तो अपने तरीके से काम कर लिए थे। नौकरियों को पहले, नौकरियों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नौकरियों मुझे मुझे आप में चार सीटों को लेकर बात कर रही थी, आपने मेरे सवाल के अलावा हर मुद्दे पर बात कर ली। हिसार को लेकर तो, क्योंकि बृजेंद्र सिंह चले गए कांग्रेस में, तो वहां भी आप लोगों को मंथन करना है किसे टिकट दी जानी है। रोहतक में चूंकि बहुत टफ फाइट थी, पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा था, तो वहां भी आप लोगों को मजबूत उम्मीदवार आपको आपको बताया उतारने की एक चुनौती तो होगी दीपेंद्र के सामने, आप लोगों के सामने भी। और सोनीपत को लेकर बात करें, कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता है पहले से, तो वहां भी आप लोग अभी मंथन कर रहे हैं। हमारा ज्योति जी, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल, ठीक है। हम लोग कैंडिडेट, हमारी जो पार्टी, हमारे जो कार्यकर्ता उस तरफ देखते हैं, कमल के फूल की तरफ। जिसके पास कमल का फूल वही हमारा कैंडिडेट, और किसी ना किसी को मिलेगा। और 10 की 10 सीटें हरियाणा के अंदर जैसे पहले रही थी, इस बार भी रहेगी, चाहे वो रोहतक की बात हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र की बात हो, चाहे वो सोनीपत की बात हो। ठीक है, बजरंग जी को कुछ कहना था, पंडिता जी नवीन जी आ रहे हैं आप लोगों के पास। माने मोदी जी की जिस तरीके का कार्य है, बजरंग दास जी, अभी तो मुझे कुछ बोलना है कांग्रेस के लिए, बोलिएगा आखिरी कमेंट में बोलिएगा। बजरंग जी, ऐसा तो नहीं कि आप लोग आपस में ही लड़ते रह जाएंगे? कांग्रेस बहुत बार ये करती है कि मजबूत लगती है लेकिन आपसी लड़ाई खत्म नहीं होती है, सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। ज्योति जी, किसी प्रकार का फायदा इनको मिलने वाला नहीं है। इन्होंने सारे ताने बाने लगा के कोशिश कर ली, यहां तक कि ये तो विधायक चोर, वोट चोर, सरकार चोर पार्टी है। इन्होंने सारे तंत्र मंत्र सरकारी जंतर लगा के देख लिया, सारे कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट थे उनको टोक टोक के देख लिया, आ जाओ, पूरी कोशिश कर ली। कांग्रेस पार्टी का हर नेता मजबूती के साथ खड़ा है। और लोकसभा सीट के लिए मैं बताना चाहता हूं, हमारा हम लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक बार नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारा हर नेता, हर कांग्रेसी कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, जनसंपर्क अभियान है। हमने एक बार नहीं, 3-3-4-4 बार लोगों के घरों में जाकर लोगों को दस्तक दी है, बताया गया है भी कैसी निकम्मी सरकार है। जहां जाते हैं जनता रोती है, आपके सामने है, यहाँ तो लैंड ऑर्डर की स्थिति खराब, दिन दहाड़े दुकान पर बैठे व्यापारी को यहाँ गोलियां मारी जाती है, फायरिंग करके रोटी मांगी जा रही है। ना व्यापारी दुकान पर सुरक्षित है, ना उद्योगपति फैक्ट्री में सुरक्षित है, ना घर में सुरक्षित है, ना रास्ते में सुरक्षित है। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर बन चुकी है, लोग पूरी तरह से दुखी है और इनसे मुक्ति चाहती है। ज्योति जी, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता के नाते बैठा हूँ इसलिए बैठा हूँ। मेरे से ज्यादा जानकारी आप लोगों को है, क्योंकि आप ये हरियाणा न्यूज चैनल बड़ा प्रसिद्ध चैनल है, पूरा देश की जनता देखती है। और जहां तक भी, जहां जिस एरिया में मैं जाता हूं, चाहे मैं किसी मंडी में गया, कस्बे में गया, शहर में गया, हर जगह मुझे आपका रिपोर्टर मिला है। आपके रिपोर्टर को हर चीज का ज्ञान है, क्या किया इन्होंने। एक बात बता दे, 9.5 साल के अंदर 1 रुपए की कोई रियायत दी हो तो बताओ, 9.5 साल के अंदर इन्होंने दिम्बक की तरह
जनता का खून चूसने का काम किया है, नए नए टैक्स लगाकर टैक्सों में बढ़ोतरी करके आर्थिक बोझ जनता पे डालने का काम किया है। आंकड़े लेकर जाते हमारे टाइम में 6% महंगाई दर है, अरे तुम 60 रुपए किलो दाल 150 रुपए आपने कर दी, सरसों का तेल जो 55-60 रुपए लीटर होता था आज 125 रुपए लीटर कर दिया, जो 58 रुपए पेट्रोल डीजल होता था वो आपके सामने आपने 90 पार कर दिया, जो 400 रुपए अच्छा बजरंग जी, इन मुद्दों पर तो आप बात करते हैं, इन पर तो आप हमेशा ही बात करते हैं, आप मुझे आज लोकसभा को लेकर बता दीजिए। शैलजा बार बार ये कह रही है कि वो तो विधायक का चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन हाईकमान अगर कहेगा तो लोकसभा का भी लड़ लेंगी। हुड्डा साहब को लेकर आपने ही कहा था कि बड़े हुड्डा साहब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका पैनल में नाम नहीं है क्योंकि वो अलग अलग जिम्मेदारियां देखेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी अपने आप को सीएम की रेस में ही मान रहे हैं, सारे ही विधायक के चुनाव की विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा कोई लड़ने को तैयार नहीं होगा बड़ा नेता जब तक हाईकमान ना कहे कि लड़ना ही होगा? ऐसी बात नहीं है। ज्योति जी, दीपेंद्र हुड्डा जी आज मेरे रोहतक कार्यक्रम थे, 8-10 कार्यक्रम थे, दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक से चुनाव लड़ेंगे। हमारे अनेकों सीनियर नेता, कोई पूर्व सांसद है, भाई जयप्रकाश जी भी है, यहाँ हमारे रामदान सिंह विधायक है, उसने भी अप्लाई किया हुआ है, श्रुति जी ने अप्लाई किया हुआ है, 362 जो हमारे कांग्रेस के नेता है उन्होंने अब चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, मगर वो पैनल बन चुका है, पैनल कंप्लीट हो चुका है, जिसकी मीटिंग आज चल रही है उसके अंदर फैसला होगा। और मैं कहना चाहता हूं हर कांग्रेस का पार्टी का नेता कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, कांग्रेस हाईकमान जिसने भी आंगली टेकेगी, जिसका नाम टेकेगी वो चुनाव लड़ेगा, और इतने भारी मजबूती से लड़ेगा, इनको चने चुकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन का हर साथी तैयार बैठा है। और एक बात और कहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दीजिए, मतलब आज प्रदेश की जनता, चाहे किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी है, हर एक इनसे मुक्ति चाहता है। मैं यशपाल जी बैठे हैं, बहुत सीनियर प्रवक्ता है, यशपाल जी से इनसे नु पूछ लो, 9.5 साल के अंदर आप एक आइटम बता दो आपने 1 रुपए की छूट दियो, मैं आपको 50 आइटम गिरा दूं, आपने नए नए टैक्स लगाकर बजरंग जी अभी मैं आगे बढ़ रही हूं, टाइम कम है, आपने नए पंडिता जी आप लोगों की लिस्ट कब तक, आप लोगों की लिस्ट कब तक आने वाली आपने काम किया? और दूसरा, अब तो चूंकि जेजेपी का गठबंधन भी टूट गया, अभी ये कह रहे हैं कि जेजेपी खत्म होने वाली है, जो कहते थे एक थी इनेलो अब एक थी जेजेपी होने वाला है, तो क्या कुछ नेताओं की घर वापसी की उम्मीद भी कर रहे हैं आप लोग चुनाव से पहले? देखिए ज्योति जी, दुष्यंत और दिग्विजय को छोड़ के कोई भी, जो भी हमारे साथी जो इंडियन नेशनल लोकदल के भी हिस्सा रहे हैं, जो हमारा 24-25-26% तक जो वोट शेयर रहा है, वो हमारे जो जनता ने हमारे ऊपर एक विश्वास जताया है, जो पार्टी चौधरी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी, और मतलब बहुत मेहनत से खड़ी की बहुत पुरानी पार्टी है, और उसमें बहुत ज्यादा योगदान जो है वो वर्करों का, किसानों का, हरियाणा की जनता का उसमें रहा है, और पार्टी के प्रति विश्वास रहा है हरियाणा की जनता का कि अगर कोई क्षेत्रीय दल हरियाणा के हित की बात कर सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे एसवाइल की लड़ाई हो, चाहे एसवाइल के निर्माण की बात हो और किसानों की बात हो, कोई भी बात हो तो ये स्टैंड लेते हैं। अब सरकार आपके द्वार बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, उसके बाद सरकार आपके द्वार के बाद बुढ़ापा पेंशन स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने शुरू करी थी, उसके बाद हम आज कह रहे हैं जुबान, आपको पता है अभय सिंह जी ने दे दी, तो 7,500 पेंशन होगी ही होगी, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी ही होगी, तो उसके बाद मुफ्त सिलेंडर मिलेगा ही मिलेगा, 1,000 रुपए वाली हमारी स्कीम जो आम आदमी पार्टी ने अभी रिसेंटली कॉपी की है, 1,000 रुपए ग्रहणियों को, जो हम तो जब हमारी पद यात्रा शुरू हुई थी तब से हम ये बातें सारे के सारे जो हमारे वादे हैं ये जो जनता के प्रति हम जो, और जनता को पता है कि अगर कोई अगर अभय सिंह जी कहेंगे तो पूरा भी करेंगे उसको, क्योंकि अभय सिंह जी का कंडक्ट लोगों ने देखा है। देखिए ज्यादा नहीं बोलता मैं, लेकिन ये दो पार्टियां हैं, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ जजपा, ये बीजेपी है, ये बीजेपी और कांग्रेस है, जीएसटी कांग्रेस लेके आई, लागू इन्होंने करी, ठीक है। अगर एसवाईएल के ऊपर भी बात करें तो एसवाईएल के ऊपर हुड्डा साहब ने क्या किया,
भाई प्रेजिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेज दिया, 10 साल कोई बात नहीं करी, इधर बीजेपी कुछ करने को तैयार नहीं है। उसके बाद स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, हुड्डा जी की अध्यक्षता में थी, वो उन्होंने C2+50 वाला नहीं लागू किया। ये काले कृषि कानून पहले कांग्रेस की लेके आने वाली थी, थोड़ा इसमें जोड़ तोड़ करके कांग्रेस जगह बीजेपी ले आई। तब ये लिखा करते थे चिट्ठी, शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तब चिट्ठी लिख के MSP मांगते थे, इनके भाषण भी हैं पीछे, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत आ रहे हैं पुराने भाषण, ये इन्हीं की वजह से। तब तो आप किसानों की बड़ी बात करते थे, आज आपके किसान में एक के बाद एक 750 किसान शहीद हो गए, आप चुप्पी साधे रखी आपने। अब हरियाणा के अंदर क्या किया आपने, किसानों की गोलियां चलवा रहे हैं, अभी भी वही हाल है, अभी भी वैसी बैरिकेडिंग, उससे भी ज्यादा बैरिकेडिंग, टीयर गैस जैसे कोई दुश्मन होते हैं इस देश के नागरिक ही नहीं है, कभी कहते हैं पासपोर्ट ले लेंगे आपके, कभी कहते हैं कब आपको ये कर देंगे, कभी देखिए बहुत ज्यादा आए तो दुगनी क्या कर रही थी, किसानों पे गोलियां बरसानी और शुरू कर दी, तेल के दाम कहाँ चले गए, किसानों पे कर्ज कहाँ चले गए। और चलिए गोलियां बरसाने की जब बात होती है, हालांकि बत्रा जी नहीं कह रहे, दूसरे प्रवक्ता, फिर कंडेला कांड की भी बात कर लेते हैं, बीजेपी वाले तो आप लोगों को प्रारूप लगाने लग जाते हैं कंडेला को लेकर। ज्योति जी एक मिनट तो दे दीजिए खत्म करने के लिए, मैं एक मिनट में खत्म करता हूँ, एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहले तो आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, आपने कहा हमारी लिस्ट कब आएगी, 5 सदस्य हमारी कमेटी गठित हुई थी, उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो कोर कमेटी को दे दी है, कोर कमेटी की मीटिंग होते ही जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा हमारी लिस्ट बाहर आ जाएगी, आवेदन हमारे पास 111 आवेदन आ चुके हैं। दूसरा अभी एक मैं 30 सेकंड में खत्म करूंगा जल्दी जल्दी पढ़ के, ताकि इनको आराम से सुन जाए जनता को भी। फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला हुआ, 55 करोड़ का एक पहले घोटाला हो चुका था। हरियाणा राज्य फार्मेसी में घोटाला हुआ, बिजली वितरण निगम में घोटाला हुआ, सरसों चना घोटाला हुआ, किलोमीटर स्कीम घोटाला हुआ, अंबाला फुटबॉल स्टेडियम में 40 करोड़ का घोटाला हुआ, फसल बीमा में घोटाला हुआ, राइस मिल में चावल घोटाला हुआ, श्यामला डे की 500 करोड़ की जमीन बेचने का घोटाला हुआ, पीने के पानी के सैंपल आपके पेपर रिपीट हो रहे तो होंगे ना, जब तक जांच पूरी नहीं होती रिपीट हो रहे हैं, या अगर कोई वाकई दोषी नहीं पाया जाता। जी ज्योति जी प्रश्न रिपीट कर रहे थे, नहीं ये तो कथित घोटाले होंगे ना, जब तक साबित ना हो जाए कि हाँ घोटाले हुए हैं। ज्योति जी बिल्कुल हो रहे हैं सारे के सारे घोटाले, ये ऐसे ही थोड़ी ना आपके मीडिया के सामने अखबारों की सुर्खियां बने। ठीक है सर, अभी टाइम कम है सर, अभी टाइम कम है, मुझे वाइंड अप भी करना। नवीन जी आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अंतिम कमेंट आपको। ज्योति जी एक तो मैं ये कहना चाह रहा था ना, हमारा कैंप तो कमल के फूल है, कमल के फूल ने ना पूरे देश को पूरे प्रदेश को फूल कर रखा है, पूरा देश को फूल बना रखा है इन्होंने। दूसरा बत्रा जी बात कर रहे हैं SYL की, मैं कहता हूँ SYL पे ना आराम से एक दिन चर्चा रख लो, खुल के बात करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जब SYL की बात करते हैं तो मैं खुद, मेरे को ये फील होता है कि ये SYL का मुद्दा खुद उठाने की हिम्मत कहाँ से लाते हैं, कहाँ से इनके पास वो गुंजाइश और एनर्जी, और वो इतना क्यों नहीं है, इतना क्यों नहीं है। मैं तो हैरान होती हूँ आप लोग जब ये मुद्दा उठाते हैं, मैं तो हैरान होती हूँ आप लोगों के कॉन्फिडेंस पे। अच्छा मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ, नहीं आप हैरान होती है ज्योति जी, बहुत बढ़िया, सभी हैरान होते हैं, सभी हरियाणवी हैरान होते हैं, बैठक कर रहे हैं सीएम रहते हुए मनोहर लाल इतनी बार ये कह चुके हैं कि आप पानी ना दें ये बात की बात है, नहर निर्माण तो कराएं, पंजाब के आपके मान साहब की हट ऐसी है कि ना नहर का निर्माण होने देंगे ना पानी देंगे, कैसे बात कर लेते हैं सवाल को लेकर आप। चलिए चुनाव को लेकर अगर आप कुछ कहें तो आप ठीक कह रहे हैं, एक दिन डिबेट कर ले, कभी ना कभी हो जाएगी जब ये मुद्दा उठेगा, अभी आप चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को लेकर बात कर रहे हैं। मेरे को बस 10 सेकंड चाहिए, जब सेंटर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इम्प्लीमेंट कराना, मोदी जी को बीच में आना चाहिए और ये फैसला कर, ये दोनों स्टेट्स के बीच में बैठना चाहिए और इसका फैसला कराना चाहिए, जिससे ये भाग रहे और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के ये कर रही है। दूसरी बात, जो बात राजेंद्र जाधव ने जी की, मैं भी कहीं ना कहीं उससे इत्तेफाक रखता हूँ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी दोबारा से जातिगत समीकरणों को साधने के लिए, खट्टर की नाकामियों को छुपाने के लिए, खट्टर साहब को हटा दिया इन्होंने, खट्टर सरकार की जो नाकामी है उसको हटाने के लिए, एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए इन्होंने इस प्रकार से काम करे। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट लगातार आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के सारे कैंडिडेट हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। जादव जी अंतिम कमेंट आपका। बस देखिए कि अब चुनाव मैदान में वो डेट आने वाली है, चुनाव की आचार संहिता लागू होने वाली है, अब अभी तो ये है कि सभी पार्टियों को अपने उम्मीदवार तय करने हैं और तो उनको एक तरह से नामांकन फाइलिंग करानी है ताकि लोग जो है उनके चेहरे देखें, उनको समझें और पार्टी के कामकाज को और रीति नीति को समझकर मतदान करें,
तो उसी हिसाब से जो है तैयारी को अंतिम रूप देने की जरूरत है। अभी मुद्दे तो अपनी जगह काम बन ही जाते हैं, कोई ना कोई सरकार काम करती है उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं और कई समस्याएं अपने तरीके से खड़ी हो जाती हैं। तो SYL का जो अभी जिक्र कर दिया बहुत बड़ा मुद्दा है, ये पता नहीं क्यों चुनाव में गरमा नहीं रहा है। सारे राजनीतिक दल फिर उसके लिए दोषी होंगे कि ये जो जिस तरह का कहते हैं महाभारत का युद्ध हुआ तो सभी दोषी थे, उस तरह का जो हो जाएगा कि कुरुक्षेत्र का जिक्र आ रहा है बाकायदा और ये कैंडिडेट नहीं तय हो पा रहे हैं। तो ये जो है जो SYL का मुद्दा है उस पर जो भी विपक्षी दल है उनको इस मुद्दे को उठाना चाहिए ताकि ये जिस तरह से गरमाए कि चुनाव इसी के आधार पर हो जाए और प्रदेश की जनता का भला हो। बिल्कुल, अब तो विपक्षियों को जवाब भी देना होगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को जवाब देना होगा। और ऐसा नहीं गरमाएगा नहीं, आदमपुर बाय इलेक्शन में भी हमने देखा, बाय इलेक्शन में भी बात हुई थी इसके, जब भगवंत मान आए थे, अरविंद केजरीवाल आए थे, तो अब भी चुनाव जैसे जैसे उठेगा कैंपेनिंग होगी इस मुद्दे पर भी बात होगी। यशपाल बत्रा जी आपका अंतिम कमेंट, क्योंकि कैबिनेट विस्तार को लेकर हमने शुरुआत में बात की, क्या कल या बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार हो सकता है हरियाणा में, कल कोई संभावना? संभावनाएं तो सारी तरह की हैं, जल्दी हो भी सकता है और लेट भी हो सकता है, सारे जाति समीकरण देखने के बाद ही विस्तार होगा उसका। और रही अभी कांग्रेस की बातें कि हमारे कैंडिडेट लड़ने के लिए तैयार हैं, अभी आपने मैंने कई मीडिया चैनलों पे या प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखा है, किरण जी कहती है मैं नहीं लड़ूंगा, कैप्टन जी कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा, शैलजा जी कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा, रणदीप जी कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा, सोनिया गांधी जी खुद राज्यसभा से चले गए, इनके सीनियर नेता ही नहीं लड़ना चाहते। प्रदेश यशपाल जी तो खुलकर बोल रहे हैं कि हम जाति समीकरण देखेंगे, हालांकि बीजेपी के दूसरे नेता तो कहते हैं कि हम तो जाति नहीं देखते हैं, खुद बोल रहे हैं। तो जब से यशपाल जी ने तो खुद ही कह दिया कि हम तो जाति समीकरण देखेंगे, उसके बाद विचार करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग तो सभी करते हैं, अच्छी बात है। चलिए बत्रा जी स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि हम तो जाति समीकरण देखेंगे, इन्होंने कम से कम इस बात को स्वीकार किया है। शुक्रिया सभी का, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा, हम चुनाव से पहले जिस तरह की राजनीतिक हलचल है हरियाणा में उसे लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।